आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। देश में 42,000 मंदिरों की रक्षा करना है, देश के सामने आई चुनौतियों का मुकाबला करना चाहिए। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। कायस्थ परिवार में जन्मे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने बताया कि व्यक्ति से बड़ा देश है, संस्कृति सभ्यता और परंपरा को बचाने के लिए राष्ट्र की बात करनी चाहिए। सनातन धर्म प्रचार के पुरोधा देश के जाने माने शुभचिंतक विचारक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने पाटीदार कुलमी पंच ग्राम जाटपुर में बुधवार को कार्यशाला के प्रांगण में मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित किया। उन्होंने कहा, व्यक्ति बड़ा नहीं होता, राष्ट्र बड़ा होता है। देश भर में 42,000 मंदिरों की लड़ाई लड़ी जानी है, जिंदा है मरना सीखो। आस्था और परंपराओं से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हमारे पूर्वज वो नहीं है जो छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई की तरह होनी चाहिए। 42,000 मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है। सनातनी हिंदू समाज को समाप्त कर दिया है, अनदेखा कर दिया, ऐसी मांग मानने चाहिए जो हमारा राष्ट्र 5,000 वर्ष तक चले। समाजवाद नहीं होना चाहिए, समाज की जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। भारत में दिनों दिन जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में मात्र 2 करोड़ जनसंख्या है और क्षेत्रफल भारत की भूमि से 3 गुना अधिक। दुनिया लोग घुसपैठ कर 5 करोड़ आ गए। हमारे कुछ लोगों के द्वारा आधार कार्ड बनाकर बांग्लादेशियों को भारतीय बनाया गया। सन 1948 में वृद्धाश्रम बहुत कम थे, आज 5 गुना बढ़ गए। शब्द का सौंदर्य, प्रकृति का सौंदर्य होना चाहिए। राष्ट्र के सामने चुनौतियां हैं, उन्हें डटकर मुकाबला करना चाहिए। आज की शिक्षा वो नहीं है जो आदिकाल में थी। धार जिले की मनावर तहसील के छोटे से गांव जाटपुर में लगभग 16,145 सनातनियों की संख्या देखकर आश्चर्यचकित हो गए। 14 फरवरी बसंत पंचमी ज्ञान संगीत कला की देवी सरस्वती अवतरित हुई थी। अक्षर अभ्यास संस्कार का दिन है। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है, ज्ञान को ही श्रेष्ठ माना गया। सर्वप्रथम भारत माता की प्रतिमा के सामने पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कार सेवक टीकम भाई साध पाटीदार ने दीप प्रज्वलित कर पूजन अर्चन किया। पंकज साध ने स्वागत भाषण दिया, देशभक्ति की कविता गाई है। भारत के राष्ट्रजनों, तुम्हें जगाने आया हूँ। गोकुलधाम गौशाला समिति के सदस्य भी उपस्थित थे। मनावर से कौशिक पंडित की रिपोर्ट।